छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार साय बीजेपी को झटका देते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। नंद कुमार साय को खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जुड़ा हाथ से हाथ, मिला आपका साथ, भरोसे के साथ जारी है, आदिवासी हित की बात, स्वागत और अभिनंदन डॉक्टर नंद कुमार साय जी का, हाथ से हाथ जोड़ो जारी है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले नंद कुमार साय ने अपने इस्तीफे में आरोप लगाया था कि बीजेपी नेता ने उन पर झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत भयभीत, भयाक्रांत और एक तरह से व्यथित हूँ। इस पार्टी को मैंने अटल जी से लेकर के अभी तक लगातार मजबूत करने की कोशिश की, वो उनके कार्यकर्ता भी दुखी कर दिए गए हैं कि मेरे फोटो के साथ वो कहीं दिख ना जाए, मेरे साथ नहीं दिख जाए। इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सारे पदों से जिसमें भी मुझे रखा गया है उससे मैं इस्तीफा देता हूं। और इतने दिनों तक मैं रहा, जो संगठन में लोग हैं उनको कहता हूं कि आप पार्टी को ठीक से चलाइए, मैं इसकी प्राथमिक और सभी पदों से आज इस्तीफा दे रहा हूं। बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और बीजेपी की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से भी उन्होंने काम किया, तो जो दायित्व पार्टी ने दिया, पार्टी ने सम्मान दिया, उसके बाद भी उन्होंने अपना निर्णय लिया है। हाँ, एक वरिष्ठ नेता है, राजनीति में सब कुछ जानते समझते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, एक नए दल में जा रहे हैं तो मैं अपनी ओर से शुभकामना व्यक्त करता हूँ। अब क्या कारण है ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर मैं आज की तारीख में जितनी मेरी जानकारी है, मैं तो यही कहूँगा कि यदि पार्टी छोड़ा है और 40-50 साल का मेहनत तपस्या छोड़ के जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज बीजेपी की तरफ से मैं यही कहूँगा कि मेरी शुभकामना होगी। छत्तीसगढ़ की सियासत का बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाने वाले नंद कुमार साय 3 बार के विधायक और 5 बार सांसद रह चुके हैं और नंद कुमार साय साल 1977 में पहली बार अविभाजित मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इतना ही नहीं, वो मध्य प्रदेश के विभाजन, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से 3 बार विधायक भी रहे हैं।